देखिए गाइस, आपको बताते हैं हम कि जिस तरह से हम सब जो है व्हाट्सएप स्टेटस डालते हैं, तो किसी का स्टेटस अच्छा लगता है तो हम उनसे मांग लेते हैं ना। इसी तरह मेरे साथ भी होता है, तो मेरे दोस्त लोग या मेरे जानने वाले जितने मेरे स्टेटस देखते हैं वही लोग मुझसे स्टेटस मांगते हैं। और कभी कभी होता ही है कि मैं बिज़ी होने की वजह से उन लोगों को सेंड नहीं कर पाता हूँ स्टेटस, तो फिर वो टाइमलाइन से भी हट जाता है, तो याद नहीं रहता कि कौन सा स्टेटस डाला हुआ था। तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, स्टेटस अगर आपको चाहिए होगा व्हाट्सएप का जो सामने वाले ने डाला है, तो आप लोग क्या है, सिंपली जा सकते हो एमएक्स प्लेयर में जो कि अपने फ़ोन में होता है, उसमें जाने के बाद में आप लोग उस पर थ्री डॉट्स वाला जो आइकॉन होता है, थ्री डॉट्स वाला आइकॉन जैसे कि यहाँ है, देखिए ये आइकॉन्स पे जाने के बाद में व्हाट्सएप स्टेटस सेवर होता है, उस पर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे सेविंग ऑप्शन है। ये सेविंग ऑप्शन का एक अच्छी बात ये है कि आप लोग जो है अपनी फ़ोन की मेमोरी बिना यूज़ किए आप उस स्टेटस को सेव कर सकते हो। तो ये देखो, अभी सिंपली ये स्टेटस मैंने सेव कर दिया, इसके ऊपर आ गया ब्लू टिक, ये सेव हो गया। इसी के साइड में सेव ऑप्शन है, तो उस पर आप क्लिक कीजिए और उसको रिफ़्रेश कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये स्टेटस आ चुका है। तो इसी तरह से आप लोग भी सेव कर सकते हैं, सामने वाले से मांगने की हमको ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से मैंने स्टेटस सेव किए हुए, किसी से मांगा नहीं है, और मेरे भी स्टेटस जो मांगते हैं उनको सेंड करने में मुश्किल आती है और वक्त नहीं मिलता तो सामने वाला भी नाराज़ हो जाता है। तो इट इज़ अ सिंपल वे, यू कैन डू इट विद योर ओन। तो ट्राई कीजिए और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।